क्या आप भी WCC3 खेलते हो? क्या आपके फोन में भी WCC3 लैग होता है? तो आज की साल वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं जो है 3 ऐसे सेटिंग बताने जिसको आपके फोन के अंदर अगर आप सभी लोग ठीक से कर लोगे तो आपका भी WCC3 कभी भी लैग नहीं होगा, चाहे वो लो एंड डिवाइस हो या फिर कोई भी डिवाइस हो। तो आज की जो वीडियो है यही वीडियो होने वाली है फोन सेटिंग के ऊपर। आप सभी लोगों को 3 ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसको आप सभी लोग अगर सही कर लेते हो तो आपके फोन के अंदर कभी भी WCC3 जो है लैग नहीं होने वाला है। अगर आप सभी लोग WCC3 खेलते हैं और WCC3 को ही खेलना पसंद करते हैं और आपके फोन में लैग होता है तो आप सभी लोग उससे थोड़ा सा यानी कि जो है कन्फ्यूजन वगैरह हो जाते हो और आप सभी लोग अच्छी तरीके से खेल नहीं पाते हो और आप सभी लोगों को गेम छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। तो एंड तक देखना वीडियो को और भाई लोगों को बता दूं कि चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी जरूर से दबा देना, ये आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते। सबसे पहले जो सेटिंग के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा वो शायद सभी लोगों ने कर ली होगी, जो भी लो एंड डिवाइस में खेल रहे हैं वो शायद तो उन लोगों ने कर ही लिया होगा। भाई लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को पता है कि WCC3 वैसे तो बहुत बड़ा गेम है लेकिन 2GB वगैरह के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, किसी के पास नया फोन होता है तो अच्छी तरीके चल पाता है लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जो है लैग भी होता है। लेकिन 3GB रैम वाला अगर आपके पास फोन है तो आप सभी लोगों को काम करना है कि आप अगर WCC3 को खेलते हो तो बाकी के जो एप्लीकेशन है उसे डिलीट कर दीजिए, एक सिर्फ WCC3 ये रखिए क्योंकि आप सभी लोगों को बाकी गेम का जो है यहाँ पर लोड नहीं पड़ेगा और आपका गेम जो है वो अच्छा चलेगा और आप सभी लोगों को भी खेलने में मजा आएगा। बात तो सही है। तो चलिए अभी बता देता हूँ दूसरा सेटिंग ये है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कोई जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह के अंदर जो है यहाँ पर गए हैं और उसके अंदर जाके यहाँ पर जो है अपना बैकग्राउंड डाटा वगैरह जो है वो ऐसे ही रख देते हैं और सीधा गेम खेलने लग जाते हैं। तो उनका जो डेटा होता है वो सीधा असर करता है प्रोसेसर के ऊपर। वैसे तो आपके पास लो एंड डिवाइस का फोन है और आप सभी लोग अपना जो है बैकग्राउंड डाटा भी नहीं निकाल रहे हो और इतना बड़ा गेम खेलो जिसका साइज 2GB के ऊपर जाता है और प्ले स्टोर के अंदर ये जो है 1GB के ऊपर है और आप सभी लोग अगर ऐसा गेम खेल रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी बैकग्राउंड डाटा है और जो आलतू फालतू का एप्लीकेशन है उसे डिलीट कर दीजिए और आप सभी लोग जो है बैकग्राउंड डाटा को साफ करके यहाँ पर सिर्फ WCC3 को खेलिए जिससे कि आपका गेम बहुत ही अच्छा चलेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी तीसरा जो सेटिंग होने वाला है ये सेटिंग जो है आपको खुद गेम देती है और आप सभी लोगों ने अभी तक ये सेटिंग नहीं किया है तो भाई लोगों बता दूं कि आप सभी लोग बहुत बड़ी गलती करते बैठे हुए हो। आप सभी लोग पता है कि गेम ने आप सभी लोगों को यहाँ पर हाई और यहाँ पर जो है लो ग्राफिक दिए हुए है। अगर आप सभी लोग 2GB रैम में खेल रहे हो तो शायद लो ग्राफिक आप सभी लोगों को रखना चाहिए जिससे कि आपका गेम बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप सभी लोग मीडियम ग्राफिक भी रख सकते हो और उसी के साथ ही हाई ग्राफिक में भी खेल सकते हो, आपके पास थोड़ा बड़ा फोन है तो आप सभी लोग जो है यहाँ पर हाई ग्राफिक के साथ भी खेल सकते हो। अगर 2GB 3GB रैम का जो फोन है तो आप सभी लोग यहाँ पर लो ग्राफिक में ही खेलिए जिससे कि आपका गेम लैग ना हो। और यही 3 जो है यहाँ पर सेटिंग थे जिसके जो है आप सभी लोग कर लोगे तो आपका फोन कभी भी लैग नहीं होगा और मक्खन की तरह चलेगा। भाई लोग मैं बता दूं कि मेरे पास 2GB रैम का फोन है जिसके अंदर WCC3 बहुत ज्यादा लैग होता है तो मैं लो में भी खेलता हूँ और मेरा फोन जो है इतना लैग नहीं होता। तो शायद फायदा होगा आप सभी लोगों को ये सेटिंग करने पर। बाकी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यही 3 सेटिंग आप सभी लोग बतानी थी और वीडियो पसंद आया तो मेरे पर लाइक कर देना और चैनल में न्यू आ रहे हो पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी जरूर से दबा देना। तब तक खुश रहना, ख्याल रखना अपना। जय हिंद जय भारत।